हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप देख रहे हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक इन्फॉर्मेशन आया है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि बोलिए गुड न्यूज आया है। मैंने सोचा आप सभी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर किया जाए। अभी दो दिन पहले दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आया है कि प्रदेश में यानी दैट इज छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिसमें से 4 आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 1 आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप पेपर का कटिंग देख सकते हैं, मैं इसको लेके आया हूँ। अच्छा, इसकी संभावनाएं हैं और संभावनाएं बहुत प्रबल है, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ 5 खुल सकता है और उसमें 4 अपने काम का है, क्योंकि 4 के 4 आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और ये पेपर की कटिंग इस बात का प्रूफ है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इस साल प्रदेश में 4 सरकारी एवं 1 निजी मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है और ये 4 जो सरकारी खुलेगा वो कहाँ कहाँ खुलेगा, कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा। ये वैसे भी पिछले साल से ही बोला जा रहा था और आपको पता है कि अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रही है वो पॉलिसी ये है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लास्ट ईयर अगर अपन देखेंगे तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल मतलब टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर अपन कंबाइन कर देते हैं तो टोटल लगभग 1820 सीट था। अगर ये मान लीजिए कि 5 और खुल जाते हैं तो सरकारी में आपको हर एक कॉलेज में आपको 100-100 सीट अलॉट किया जा रहा है और प्राइवेट में आपको 150, यानी टोटल देखा जाए तो लगभग 550 सीट्स आपको और बढ़ जाएंगे। यानी 1820 में अगर आप 550 जोड़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 2400 के आसपास आपको सीट्स मिल जाएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर ऐसा देखा गया था कि प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि लास्ट ईयर लगभग 35,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम को। अगर इस साल मान लीजिए कि 2-4-5,000 और बढ़ते भी, अगर मान लीजिए 40,000 बच्चे भी होते हैं तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए अपने पास 2400-2500 के आसपास अगर सीट्स है तो ये काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाएगा कि यानी हर 10 में 1 बच्चों के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, नीट 2023 जैसा कि अनाउंसमेंट है 7 मई को होने वाला है, उसकी पूरी प्रिपरेशन आप कंप्लीट कीजिए, रिविजन्स वगैरह स्टार्ट करें, टेस्ट वगैरह जरूर दें। इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन है वही सारी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि जेई मेंस में 2 बार एग्जाम होता है तो ऐसा प्रपोजल था कि नीट में भी 2 बार एग्जाम हो, पर इस साल सिर्फ 1 बार एग्जाम होगा और वो एग्जाम का टेंटेटिव डेट जो है वो 7 मई है। आपको जो एग्जाम्स की जो सीट्स रहेंगी, अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो 1820 था, अब इसमें अगर आप 550 इंक्रीज कर देंगे तो लगभग 2400 के आसपास आपको सीट्स रहेंगे। इसमें सरकारी कॉलेज की जो 82% सीटें हैं वो स्टेट के लिए रिजर्व रहती है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जितनी भी सीटें हैं उसमें 82% मतलब 82% जो लोकल छत्तीसगढ़ के नेटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है और 15% आपको ऑल इंडिया सीट होता है और 3% सीट जो होते हैं सेंट्रल पूल की होती है, यानी टोटल इस तरीके से आपका 100% होता है। ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन है। थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था उस समय हुआ क्या था कि एम्स और नीट दोनों एग्जाम कंबाइन हो गए थे, यानी नीट के ही थ्रू आपको सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहे थे, चाहे वो एम्स हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट हो सारे। इस बार भी वही है कि आपको नीट के थ्रू ही आपको इस बार भी एम्स में एडमिशन होगा। और यही सब इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस गुड न्यूज के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएं। थैंक यू मेरे दोस्तों।